शाम को तो यहाँ बहुत ठंड होती होगी। 1995 में इसका हुआ था निर्माण, पूरे पूरे मंदिर का ना। 1995 में बंजायन का ठहरा। अच्छा, बंजायन का, फिर 9 दिन का, फिर 9 दिन का। गाइस इतने सुंदर पहाड़। पुत्र, अच्छा एक दो पुत्र ठहरे। हाँ। एक से कहा तो यहाँ बस। हाँ। एक से सनगाड़। अच्छा, यहाँ से ऊपर है अभी और सनगाड़ उधर। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये बनार ठहरा। अच्छा, ये वाला एरिया, ये एरिया पूरा बनार का ठहरा। यहाँ की जो भी पूजा पाठ करेंगे, इस इलाके की लेक सीख जो भी लोग चलाओ, यहाँ के कुछ यही के होंगे। अच्छा, वहाँ के उस साइड के होंगे, वो अलग होंगे। ओके, ये मंदिर वैसे यहाँ पे क्यों बनाया गया, कुछ आइडिया है क्यों बनाया गया इस एरिया, इस एरिया, इसी एरिया पे? इसी एरिया में। हाँ। अच्छा अच्छा, तुम भी इस इलाके के लिए हुआ करो। हाँ। तुम उस साइड के करोगे। अच्छा अच्छा अच्छा, एरिया बांट दें इनको। अच्छा, 1995 में इसका हुआ था निर्माण, पूरे पूरे मंदिर का ना। अच्छा अच्छा अच्छा, जमीन में था। हाँ हाँ, जमीन में था। अच्छा अच्छा अच्छा। कहते हैं ना कि ये काफी फेमस मंदिर है। फेमस तो काफी है, बहुत प्राचीन मंदिर है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसका नाम जो, इस मंदिर का नाम क्या रखा जाता है जो लोग बोलते हैं? बंजायन। अच्छा, वहाँ पे जो हमारे चार मंदिर होंगे। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया। मोल यही ठहरा पहला। फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। मैं भी पहली बार आ रहा हूँ। ताई तो दो बार आ गई है। ताई दो बार आ गई है। अच्छा, यहाँ पे। अच्छा, नीचे खाई है क्या पूरे नीचे? कितना दूर है? नंगे पांव जाना है? हां हां, नंगे पांव जाना। अच्छा अच्छा, चलो नौला ना। हां, पहले पूरा नौले से चलता था पानी। अच्छा अच्छा, हां था। अब तो पानी आ गया ना। हां हां, ना ना क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, हां क्या नहीं है। हाँ, नौ, नौ, पत्थर लग गया आपके। यहाँ शिखर ये चढ़ाई से जाते हैं पूरा, वो गेट से आगे। अच्छा अच्छा, 2 किलोमीटर की चढ़ाई है। 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। ओहो, यहाँ पत्थर नंगे पाँव सही है? हाँ हाँ, नंगे पाँव चलते हैं। अरे बाप, दूर है, दूर है अभी। ऐसे चप्पल पहनते जाओ, चप्पल चप्पल नहीं, नंगे पाँव जा रखे हैं वो भी। जाओ जाओ, है ना, आते हैं अभी। कहीं कांच वाच ना हो यहाँ पे। हाँ हाँ बहुत ज्यादा, कोई काम करो तो पहले दारू चाहिए।
पहले नहीं था ये सब ना, पहले तो लोग दूध छाछ पी लेने के लिए आते थे आई थिंक। और नहीं तो क्या। बात ये है ना, पहले अभी क्या था, पहले अब यहाँ के जो लोग थे चाहे बच्चे बड़े होते थे ना तो यहीं का सीखते थे। अब क्या है, नेट के थ्रू सब देखते हैं, बाहर ऐसा हो रहा है तो बाहर चलो। वो हाँ एकदम कैच कर लेंगे, हमारी संस्कृति को बाहर कर रहे हैं। हाँ वही ना? वही वही वही। यहाँ पे शेर भी आते हैं क्या? हाँ, जंगली जानवर बहुत सारे आते हैं ना। भालू, भालू भी है। हाँ, ऊपर लगता है मेला है। अच्छा आप नंगे पाँव कह चल रहे थे, आपने चप्पल पहन रखी है। तो यहाँ होता है पूरा मेला है ना। यहाँ पे मेला कब होता है, कि कौन से मंथ में, कौन सा महीना? अच्छा अच्छा, इसी कार्तिक महीने में। अच्छा, इसी कार्तिक महीने में ना। हाँ, ठंड बहुत होती होगी तो देख के लग रहा। मैं इससे पहले नंगे पांव गया था वैष्णो देवी। अच्छा, अभी वैष्णो देवी गया था जब तो नंगे पाँव गया था मैं, नंगे पाँव आया है मैं, पूरे पाँव सूज के ऐसे हो गए थे, मड्डू की रोटी की थी उसमें से खून भी आने लग रहा था, ऊपर से वो गर्म था ना पूरे रोड, वो सीमेंट था, मिट्टी होती तो कोई बात नहीं, मिट्टी में कुछ नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा, काफी सुंदर है, काफी सुंदर है। लोग आए, इतने सुंदर पहाड़। यहाँ भी होता क्या मेला? पूरा मेला ठहरा है यहाँ पे। अच्छा, यही से अब नहीं आता ना। आप यहाँ पे कब आए, सुबह आ गए थे क्या? 2 घंटे में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो लोग
तो लोग फिर यहाँ पे क्यों नहीं आते हैं इस हवाई वाले मंदिर में, वहाँ वहीं से मिलके कुछ। अच्छा ये मंदिर ठहरा है, ये वाला। अच्छा गाइस, इतने पहाड़ों के बीच में मंदिर है, काफी सुंदर लग रहा है। अंदर गुफा है क्या? अच्छा यहाँ हाथ चाड़ने के लिए पानी ऐसे ले जाते हैं। अच्छा यहाँ से ले आते थे। अच्छा दिखाई दे रहा है। अच्छा खुलता है क्या? अच्छा बहुत बढ़िया। आज भी मंदिर मतलब लोगों ने अच्छे से रखे हैं, संभाल के हैं, दिया जला रखा है। बहुत बढ़िया। शाम को तो यहाँ बहुत ठंड होती होगी। अच्छा तो ये लास्ट मंदिर है यहाँ पे ना? मंदिर नौला ठहरा है। ये नौला ठहरा नहाने के लिए, स्नानागार बनाया था। अच्छा यहाँ ठहरा है, निकाल कर दी यहाँ नहाने, यहाँ नहाने का। बढ़िया बढ़िया। पहले पानी थोड़ा पहले यहीं से जाता था पानी। अच्छा अच्छा मंदिर में जो भी कथा होगी ना यहीं से जाता था। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर चबूतरा देवता नहाने। अच्छा के नहाने। अच्छा वहाँ से ना हाँ देवता जिसके अंदर देवता आएगा तो यहाँ नहाने वाले थे यहीं पर। अच्छा मुझे एक चीज़ पूछनी थी, जैसे मान लोगों में जो देवता आते हैं वो सच्ची में आते हैं या वो मतलब ऐसे ही करते हैं कि आज देवता आते हैं? आते हैं। अच्छा मुझे लगता है कि लोग ऐसे ही करते हैं, मैं देखता था ना। अच्छा आते हैं आने वाले वो मतलब मैं समझ आज समझ नहीं आया। देवता जो होते हैं हमारे भगवान जी, वो हम सब लोगों में हैं, आप में हैं, सबके अंतिमास है तो जो मानता है। हाँ हाँ अब वही मैं कह रहा हूँ कि लोग जो करते हैं देवता आगे करके वो सच्ची में आते हैं। मेरे को देख सकते आज तक समझ नहीं आया कि देवता दिखाई भी देते हैं। फिर वही मैं सोचता हूँ कभी कभी कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, समझ नहीं आया। यहाँ जब आते ना जब मेले के दिन हाँ हाँ 50-60 डांगर डंगरिया हो जाते। अच्छा 50-60 जोड़ के वो आते हैं ढोली। हाँ हाँ पूरे इलाके के ना। हाँ यहाँ पे यहाँ पे इधर आओ ऊपर ऊपर बहुत सुंदर है। यहाँ पे चीड़ के पेड़ दिखाई नहीं दे रहे मेरे। हाँ हमारे वहाँ चीड़ के पेड़ काफी होते हैं। यहाँ ठंडा ठहर रहा है ना। अच्छा चीड़ जहाँ होगा वहाँ पर, वहाँ पर मतलब वो नहीं गिरेगी, बर्फ नहीं गिरेगी करके गर्म जगह होता है। कॉमेडी देवी में तो गिरती है बर्फ, मैं सुनने में आया। गिरती है बर्फ तो गिरती है में भी। एक साल तो बहुत ही गिरी। अच्छा 2014 में ना हाँ बागेश्वर घाटी था, घाटियों में सब पड़ी। अच्छा
यहीं पर ही है। अच्छा हाँ, सन 2014 में बहुत ही बड़ा गिरी, बहुत ही बड़ा। अच्छा अच्छा जाते नहीं जाए खतरे की घंटी बज रही है, 2 डिग्री तापमान बढ़ गया तो पूरा पिघल जाएगा। ढाई बैग अपना साथ में लेके घूमे क्या? कौन है ये? क्यों बता रहा है प्रियंका को? अरे वीडियो बन रही है, वीडियो। हम हाँ भाजी लाइव दिखाते हैं। प्रियंका को कौन है? तेरी बहू है ये, तेरी है अच्छा ठीक है। चलो गाइस आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय और जय 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 देवभूमि उत्तराखंड। यहाँ बहुत ठंड लग रही है इसलिए मैंने कैप पहन रखी है, तो मेरे आने वाले व्लॉग्स पे आपको सारी वीडियोस मिलेंगी और जितनी वीडियोस मेरे अभी तक मैंने डाल रखी जाके देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े हैं। आपके बारे में बहुत चीज़ पता है, अपना नाम बता दो। महसी मेहरा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड।